गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जगदीश चंद्र बसु कौन थे। ये हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो पहले इनका बचपन कैसा था। ये जन्म हुआ था इनका 1858 में और इनके पिता का नाम था श्री भगवान चंद्र बसु, जो कि एक न्यायाधीश थे। न्यायाधीश यानी कि जज, जिसको आप जज जानते हो, वो न्यायाधीश थे। जो जगदीश चंद्र बसु थे वो बचपन से ही बहुत तेज बुद्धि के बालक थे। धीरे धीरे जब वो बड़े हो रहे थे तो अपने पिता के साथ एक बार बाहर खेल रहे थे और उसी समय कोई एक व्यक्ति उनके पिता से मिलने आता है और कहता है कि मैं अभी जेल से छूटा हूँ और इतनी मैंने सजा मुझे मिली थी, मैं सजा काट के जेल से आया हूँ, मुझे कुछ काम दे दीजिए। तो उनके पिता ने कहा कि नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं है। वो चला जाता है। जब वो व्यक्ति जा रहा होता है तो जगदीश चंद्र बसु जो है वो अपने पिता से कहते हैं कि ये चला जाएगा, इसके पास तो कुछ काम भी नहीं है, फिर ये क्या खाएगा, कैसे रहेगा, क्या करेगा, तो आप उसको नौकरी दे दीजिए। तो जगदीश चंद्र बसु के कहने पर उनके पिता उस डाकू को नौकर रख लेते हैं और उसको ये हिदायत भी देते हैं साथ में कि तुम्हारा मेरे बेटे के ऊपर किसी भी गलत आदत को आने नहीं देना है। क्योंकि वह डाकू था तो उनको डर था कि ऐसा ना हो कि वो मेरे बालक को कुछ गलत आदतें सिखा दे। तो उन्होंने उसको हिदायत दे दी थी कि इसको स्कूल लाना ले जाना तुम्हारा काम है, परंतु ये भी ध्यान रखना कि कोई गलत आदत उसमें ना है। तो पिता ने जगदीश चंद्र के कहने पर डाकू को नौकर पर रख लिया। अब जगदीश चंद्र जो थे वो उसी के साथ रोज स्कूल जाते और आते। रास्ते में एक जंगल पड़ता था छोटा सा, जिसको वो पार करते हुए जाते थे। तो बहुत सारे सवाल पूछते रहते थे डाकू से पेड़ पौधों के संबंध में, और वो डाकू अपनी समझ से उनको उनके हर सवाल का जवाब भी देता था। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन शाम के समय जगदीश चंद्र गेंद खेल रहे थे और खेलते खेलते उनकी जो गेंद थी वो क्यारी में गिर गई और वो क्यारी में से अपनी गेंद ढूंढने लगे। तभी वो नौकर आता है और कहता है कि इस समय इनको छूना उचित नहीं है, ये सो रहे होंगे। तो ये सुनकर थोड़ा सा उनको एक शौक लगता है, इसको एक थोड़ा सा उनको हुआ कि क्या पेड़ पौधे भी सोते और जागते हैं। तो डाकू ने बताया कि हाँ, पेड़ पौधे भी हमारी तरह सोते और जागते हैं। ये चीज उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है और वो आगे इसी विषय पर अपनी पढ़ाई करते हैं और एक वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध भी करते हैं कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं। यह उन्होंने एक वैज्ञानिक प्रयोग से इस बात को सिद्ध किया, जो उन्होंने कभी बचपन में डाकू ने उनसे कही थी, इस चीज को पर उन्होंने एक वैज्ञानिक प्रयोग किया और उसको सिद्ध भी किया। जगदीश चंद्र बसु ने 1883 में 1883 में अपनी शिक्षा पूरी करके वो कोलकाता के एक विश्वविद्यालय में अध्ययन कार्य करने लगे या अध्यापक बन गए। जब वहां पर उन्होंने देखा कि अंग्रेज जो अध्यापक हैं उनको वेतन भारतीय अध्यापकों से ज्यादा मिलता है, जबकि काम दोनों बराबर करते हैं, इस चीज का उन्होंने विरोध किया। परंतु विरोध उन्होंने ऐसे नहीं किया, उन्होंने अपना अध्ययन कार्य जारी रखा, परंतु 3 वर्ष तक उन्होंने उसकी तनख्वाह नहीं ली, अपनी सैलरी या पगार उन्होंने 3 वर्ष तक नहीं ली। क्यों? क्योंकि वो इस चीज का विरोध कर रहे थे कि भारतीय अध्यापक भी उतनी ही मेहनत करते हैं, फिर उनको विदेशी या अंग्रेज अध्यापकों से वेतन कम क्यों दिया जाता है। और अंत में अधिकारियों को उनकी बात माननी पड़ी और भारतीय और विदेशी या अंग्रेज और भारतीयों का वेतन समान करना पड़ा। तो जगदीश चंद्र बसु हमारे देश के महान वैज्ञानिक रहे और बेतार के तार का पहला प्रयोग उन्होंने ही किया था। लेकिन रेडियो का आविष्कार, जो कि बेतार के तार के
के माध्यम से ही हुआ था, उसका आविष्कार मार्कोनी ने किया है, परंतु इस आविष्कार में उनका बेतार के तार का जो प्रयोग उन्होंने किया उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे थे हमारे महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु। थैंक यू।